मैंने पहले भी बहुत सारे टाइम बताया कि बच्चों को कि खाली IMEC का जो ऊपर में है एग्जाम्स के ऊपर में आप लोग पता कर लेते हैं कि मर्चेंट नेवी कैरियर जो है वो स्टार्ट करने के लिए IMEC की एग्जाम्स आपको देना पड़ता है। उसके बाद में जो है आपको एडमिशन मिल जाती है और आप जो है अपना मर्चेंट नेवी कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। बट IMEC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर परसुइंग एज अ ऑफिसर लेवल्स इन द मर्चेंट नेवी। बट IMEC खाली इनफ नहीं है। IMEC या तो आप रैंक लेके भी आ जाते हैं बट आपका जो है कैंपस अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। कैंपस अलॉटमेंट नहीं होने के कारण आपको सीट नहीं मिलती है। फिर आपका क्या होता है, आप यही ब्लैंक रह जाता है कि उसके बाद में आपको करना क्या है। आपने जो काउंसलिंग फीस जो जमा किया है वो फीस का क्या होगा, वो फीस किस तरह से रिफंड आएगी। एंड IMEC के साथ साथ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मर्चेंट नेवी कैरियर को जो परस्यू करने के लिए इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो IMEC के साथ आपको कौन कौन सी और कंपनी की जो है या इंस्टीट्यूट की जो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में यही बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को जो है कुछ गाइडेंस मिल पाए, कुछ नॉलेज मिल पाए कि मर्चेंट नेवी कैरियर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए ताकि आपको जो है ईजी एंट्रेंस मिल पाए। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों को सीट से अलॉटमेंट नहीं हो पाया और उन बच्चों को जिसका सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाया वो बच्चे अभी क्या करेंगे, क्या उनका 1 साल लॉस होगा, और अगर लॉस होता है तो फिर नेक्स्ट ईयर जो IMEC एग्जाम से पहले उनको क्या क्या चीज़ जो है वो ध्यान में रखते हुए IMEC के एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो बच्चे लोग BSc या BTech की कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए 1 साल वेट करने के सिवाय कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जो बंदे DNS के कैरियर परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए सेकेंड अपॉर्चुनिटी फेब में आती है। तो जैसा इस साल आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाया तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा फेब बैच का। फेब बैच में यही IMEC के जो रैंक लिस्ट है यही रैंक लिस्ट आपको यूज़ होगी फेब बैच में। फेब बैच के लिए देखिए यहाँ पर दो क्राइटेरिया मतलब दो प्रोसेस है यहाँ पर, एक तो होती है प्राइवेट कॉलेजेस, एक होती है IIM कैंपसेस। IIM कैंपसेस के लिए वापस से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग फीस आपको वापस से भरना पड़ेगा। काउंसलिंग फीस भरने के बाद में सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस इस बार हुआ उस टाइम पे भी यही प्रोसेस होगा। प्राइवेट कॉलेजेस में होती है कंपनी की स्पॉन्सरशिप जो है, तो बहुत सारे कंपनीज जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर से स्पॉन्सरशिप फॉर्म रिलीज करना चालू करती है। तो आप लोग सब कंपनियों की वेबसाइट को चेक करते रहिए कि किन कंपनियों की जो वेबसाइट में फॉर्म रिलीज हुआ फॉर द स्पॉन्सरशिप, तो आप उन कंपनियों के स्पॉन्सरशिप भरिए। स्पॉन्सरशिप में अगर आप एलिजिबल है तो कंपनी आपको कॉल करेगी, आपका इंटरव्यू लेगी, आपका रिटन एग्जाम्स होती है, मेडिकल फिटनेस एग्जाम्स होती है, ये सब होने के बाद कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है। फिर कंपनी आपको बता दे कि किस कॉलेजेस में जाके आपको कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज और कॉलेज का कुछ कंपनियों और कॉलेज का टाई अप रहती है। अभी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हो गया जैसे IIM हो गया, TMI हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे आपको इनके कॉलेजेस के खुद की एंट्रेंस प्रोसेस होती है, इनकी फॉर्म रिलीज होता है, उस फॉर्म को भरिए और आपके रैंक लिस्ट प्लस आपके जो क्लास 12 के मार्कशीट के हिसाब से उन लोगों का अगर एलिजिबिलिटी मिलती है तो आप लोगों को आपको एग्जाम्स के लिए कोर्सेज के लिए वो लोग कॉल करती है, एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, उसके बाद में आपको जो है एलिजिबल करते हैं कोर्स करने के लिए। ये प्राइवेट कॉलेजेस की प्रोसेस थी। IIM कैंपसेस के सेम है काउंसलिंग की, काउंसलिंग फीस भरिए एज पर द काउंसलिंग दे, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट एंड स्पॉट काउंसलिंग सेम प्रोसेस है, वो अगर आपको सीट अलॉट हुआ तो वेल एंड गुड। बट BSc एंड BTech के लिए वापस से सेम प्रोसेस है, आपको नेक्स्ट ईयर IIM के एग्जाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम काउंसलिंग फीस। अभी जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया उन बच्चों को ये टेंशन है कि सर मेरे जो 10,000 रुपीज़ है वो क्या होगा और रिफंड होगा कि नहीं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूँ, आप लोगों को ये जो फीस है काउंसलिंग फीस ये रिफंडेबल है, सिर्फ 1,000 रुपीज़ डिडक्ट होती है काउंसलिंग चार्जेस,
1000 हो गए, 9000 आपको रिफंड होती है, बट इसके लिए टाइम प्रोसेस लगती है, 2-3 महीना लग जाती है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, 3 महीने तक बच्चे परेशान थे कि सर फीस नहीं है, मिल रिफंड हो पाया, फीस नहीं रिफंड हो पाया, बट डेफिनेटली IIMI जो है वो रिफंड करती है उसी अकाउंट पे जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफर किया है। तो डोंट वरी अबाउट द काउंसलिंग फीस, 15-20 दिन में नहीं आते हैं काउंसलिंग फीस, इसके लिए लगभग टाइम लगती है, तो 2-3 महीने का प्रोसेस रख लीजिए, इसमें आपको काउंसलिंग फीस आपको रिफंड हो जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट द काउंसलिंग फीस। अब जो बच्चा लोगों का इस बार में नहीं हुआ है BSc या BTech, तो वो क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट ईयर वापस से IIMI की CTE के आपको एग्जाम्स की तैयारी करना पड़ेगा। एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ IIMI कैंपस के बेस के ऊपर में IIMI CTE मत दीजिए, मर्चेंट नेवी कैरियर स्टार्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपका एक साल वेस्ट होता है। ये कोर्सेज में फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, आपको प्राइवेट कॉलेजेस का भी ऑप्शन हाथ में रखना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेजेस में मार्च से अप्रैल से आप लोगों का ये जो है फॉर्म रिलीज होती है, एंट्रेंस फॉर्म रिलीज होती है, उस फॉर्म को भरिए। बट उसको आप फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं कि आपको उस कॉलेज का फीस सब कुछ भरना पड़ता है, बट आप जो एलिजिबल हो के रही है, अगर इनकेस आपको अगर IIMI कैंपसेस में सीट अलॉट नहीं हो पाया तो आपका एक साल वेस्ट नहीं होगा। और अगर आपको फीस जो है सूटेबल है आपके लिए, प्राइवेट कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई है, सूटेबल है आपके लिए, तो आप जो है अपना कैरियर प्राइवेट कॉलेज से भी चालू कर सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू डिपेंड ओनली अपॉन द IIMI कैंपसेस। पर जिनका फीस का लेकर थोड़ा सा डाउट है, मतलब फीस आपको प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा हाई है BTech का BSc के लिए, अगर आप उतना का बियर नहीं कर सकते हैं फीस के लिए, तो मैं यही बोलूँगा तो ये कॉलेज में आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं, फिर IIMI कैंपसेस के लिए आप वेट कीजिए। बट मेक श्योर इफ द फीस इज कम्फर्टेबल विथ यू ऑल, ट्राई टू फिल अप द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस टू कीप इन हैंड फॉर योर सेकेंड प्रायोरिटी। इफ यू डोंट गेट सीट इन द IIMI कैंपसेस, डोंट वेस्ट 1 year फॉर योर दिस थिंग। यू कैन परस्यू, यू कैन स्टार्ट योर कैरियर विद द प्राइवेट कॉलेजेस ऑल्सो, यू कैन कंडक्ट, यू कैन डू द कोर्स विद द प्राइवेट कॉलेजेस, एंड द बेनिफिट ऑफ डूइंग इन द प्राइवेट कॉलेजेस, लॉट्स ऑफ कंपनीज कम हियर फॉर द कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑल, सो देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग, हाई चांसेस ऑफ गेटिंग द प्लेसमेंट ऑल्सो। So this video, I think so it made you all clear about your counseling fees and what if you have not got the seat allotment in 2023 for the DNS batch or BSc batch or BTech batch, what you are going to do, and if you are appearing for your next IIMI CTE 2024, what you have to keep in mind before appearing for the IIMI CTE exams. तो दोस्तों फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग योर कैरियर, रिगार्डिंग टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट योर कैरियर इन द मर्चेंट नेवी, प्लीज़ पिंग मी अप, मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन ऑल्सो कमेंट मी इन द इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम ID इज Amar3364, यू कैन मैसेज मी ओवर दिस। नाउ आई एम फॉर द टाइम बींग आई एम नाउ इन ऑन बोर्ड, सो आई वॉन्ट बी एबल टू रिप्लाई यू इमीडिएटली, सो प्लीज़ कीप वेटिंग फॉर माई रिप्लाई, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई व्हेनेवर आई गेट द चांस। चलिए दोस्तों फिर आप लोगों का बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैरियर, थैंक यू वेरी मच।